Hi, very good morning. This is Achal Singh this side from Glitter Pearl Farms, and today we are here to discuss certain aspects of pearl farming. हम देख रहे हैं कि कई लोग कई जगहों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों की सीप मर जा रही है, मसल्स को मतलब सही से वो लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अभी खुले हैं और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुँच रही है, और जो लोग नए हैं इस बिज़नेस के अंदर वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है. तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग नए हैं या पर्ल फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोगों की अगर सीपी मर रही हैं तो बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर है 9711858258. दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं पर्ल फार्मिंग के, जिसकी वजह से सीप को हम मरने से बचा सकते हैं. पहला है प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग और दूसरा है पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशनिंग. तो इन दोनों एस्पेक्ट्स पे अगर हम प्रॉपरली ध्यान नहीं देंगे तो हम लोगों के लिए पर्ल फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लोग पर्ल फार्मिंग बिज़नेस में हैं या अभी उतरने की सोच रहे हैं, सबसे पहले तो ये जांच कर लें कि जहाँ से आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं वो अपना प्रोडक्शन खुद कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने अभी तक कुछ किया भी है या नहीं किया है. और साथ में वो लोग पर्ल्स जब आप प्रोड्यूस कर लेंगे, जब पैदा कर लेंगे एक साल बाद, तो आपसे खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, या फिर सिर्फ आपको ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं. मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं इस बिज़नेस के अंदर जो कोई बतख पालन भी सिखा रहा है, कोई मुर्गा पालन सिखा रहा है, कोई कड़कनाथ सिखा रहा है, कोई खरगोश पालन सिखा रहा है. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ जा रहे हैं वो लोग इस पर्ल फार्मिंग सेक्टर पे डेडिकेटेड हैं या नहीं, या फिर वो ट्रेनिंग देने में ही लगे हुए हैं बस. तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी आप ट्रेनिंग लेने जाएं, उनको अच्छी तरह पहले उनसे जाके मिलें, ट्रेनिंग लेने से एक दिन पहले उनसे मिलें और उनकी जाके उनकी सारी व्यवस्था को जांच लें, सो दैट यू कैन बी श्योर, आप 100% श्योर हो सकते हैं दैट वेर एवर यू आर गोइंग इट इज़ द राइट प्लेस फॉर यू. मतलब आप जहाँ भी जा रहे हैं वो आपके लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड है, और वहाँ जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसे टेक्निकल असिस्टेंस, आप दो दिन की ट्रेनिंग में सब कुछ नहीं सीख सकते, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, अपना फार्म स्टार्ट करेंगे, तो आपको पूरे साल वो टेक्निकल हेल्प दे सकें. सिर्फ टेक्निकल हेल्प ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप जैसे पर्ल फार्मिंग जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें पहले ही जांच लेने चाहिए, जैसे वाटर टेस्टिंग. अगर आप बिना वाटर टेस्टिंग के अपनी पर्ल फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप खुद अपने फेलियर को न्योता दे रहे हैं. आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं वो खुद अपना प्रोडक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपसे पर्ल्स खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे. ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं सारे. अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग नए पर्ल फार्मिंग में उतर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, ज़रूर जांच लें कि जो लोगों से आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो वो आपके पर्ल्स खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे. इसके अलावा जो भी लोग पर्ल फार्मिंग की ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिनकी सीपियाँ मर रही हैं, वो मुझे इमीडिएटली कॉल करें. हम उनको हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपने मोर्टैलिटी को 90% तक रोक सकते हो, अगर आप सही तरीके से प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशनिंग को ठीक से लागू करें. तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए बेझिझक आप हमें कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे और हम आपके साथ ज़रूर खड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे. दिस वॉज ऑल फ्रॉम ग्लिटर पर्ल फार्म्स, एंड दिस वॉज अचल सिंह फ्रॉम ग्लिटर पर्ल फार्म्स. हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू.